नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली सोनी द फैक्ट टाइम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गुड़गांव शहर में लगातार जो सफाई का कार्य है वो चलाया जा रहा है, जो डेरा के अनुयायी हैं उनके माध्यम से इस शहर को साफ किया जा रहा है। आइए जानते हैं इन लोगों से। जी, आपका नाम क्या है? मेरा मिशन इंसान। जी, कहाँ से आए हैं आप? यूपी से आए हैं। जी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी तादाद में जो लोग आए हुए थे, तो वो किस माध्यम से आए हैं, किस तरह से आए हैं, उनका रहने का पर्पस या फिर उनका जो खर्चा है वो कौन किस तरह से उनकी व्यवस्था की? भाई, ये तो केवल गुरुजी के आह्वान पाए हैं। हमारे गुरुजी हैं 21 दिन रहे इस शहर की जो है, उस वजह से फिर उनकी सफाई के लिए जो है ये आए, अपने खर्चे से आते हैं। इनका सच्चा सौदा किसी से कुछ लेता देता नहीं है। जो भी कुछ है वो अपने खर्चे पर आते हैं, अपने रोटी लेकर आए हैं, अपने पानी लेकर आए हैं, और इस तरीके से अपने जीवन इस आश्रम में सेवा कर रहे हैं। जी, लगभग कितना एरिया कवर हो चुका है जो सफाई का है गुड़गांव शहर का, कितना एरिया कवर कर चुका है? कि जो है पूरे, मुझे लग रहा है कि जहाँ तक भी हम नज़र मार रहे हैं पूरे शहर में, ये लगभग क्षेत्रफल की तो हमें पता नहीं कितना होगा, पर सभी जगह सफाई पूरी तरह से तन मन धन से चली हुई है। जी, तो गुरु जी का और कौन सा योगदान रहा है, जैसे कि सफाई महाभियान भी उनमें से एक ही पार्ट है, तो और क्या और भी ऐसे कार्य हैं जो गुरु जी कर रहे हैं? 139 कार्य हैं जो मानवता भलाई के कार्य गुरु जी ने करवाए हैं, और जो उनके अनुयायी हैं वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये कार्य, मिलता क्या आपको ये सब करके? ये खुशी मिलती है। अब हम किसी के कोई ऐसे तो है नहीं कि मजदूरी के लिए आए हैं, तो खुशी देते हैं। तो क्या मानते हैं इस तरह के गुरु जी की या फिर इस तरह के संत की समाज को कितनी ज़रूरत है? क्या उनके जाने से कितना बदलाव आया है समाज में? बहुत बदलाव, उनकी गुरु जी की ज़रूरत है, वास्तव में समाज को ज़रूरत है। कि अब आप एक देखिए कि भाई उन्होंने नशा छुटवाई, उन्होंने कोई कार्य ऐसा तो बताया कि भाई उन्होंने जो है मानवता भलाई के लिए ना किया टोटल। अब उनके शिष्य को देख लीजिए, आज भी जो है शिष्य उनके मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, चाहे अपने ब्लॉकों में हैं, चाहे अपने जो है घर में हैं, चाहे अपने जो है उसमें है, देश हित ही तो कार्य कर रहे हैं। जी, सब देश हित कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप करते क्या हैं, आपका पेशा क्या है? मैं तो जो है कृषक हूँ, मैं तो जो है अपने। तो अपना काम धंधा छोड़कर आप यहाँ जैसे कि आए हैं, तो आपको महसूस कैसा हो रहा है यहाँ के, आपको क्या भावनाएं हैं आपकी गुरुजी के लिए? बड़ी बड़ी खुशी हो रही है। हम अपने गुरुजी के भाई किस दिन यहाँ रहे उसमें जो है हम उसके उपलक्ष्य में सेवा कर रहे हैं। जी, इसीलिए जो है पूरे गुड़गांव की वो करी हुई। समाज से आप अपील क्या करेंगे अपने गुरुजी के लिए? समाज से हम यही अपील करेंगे कि जो कि भाई आप भी इस तरीके जैसे मानवता भलाई के कार्य हमारे डेरा कर रहे हैं या डेरा के अनुयायी जो कर रहे हैं, आप भी इसमें सहयोग करें। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो गुड़गांव शहर का जो जिम्मा डेरा के अनुयायियों ने उठाया था ताकि जो यहाँ पे सेवाएं हैं वो अपनी दे सकें, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गुड़गांव शहर को साफ़ किया जा रहा है, लगातार यहाँ से जो गंदगी को है वो हटाया जा रहा है डेरा के अनुयायियों के द्वारा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह द फैक्ट टाइम में और भी ऐसे खबरें जानने के लिए धन्यवाद।